कर दिया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पाई बाई एट लोअर लिमिट है, थ्री पाई बाई इसे क्या देखो ऐसे थ्री लिखा था ना, yes, तो सही कर लो, एट ही होगा, गलत छपा है, पाई बाई एट से थ्री पाई बाई एट। क्वेश्चन है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड में एक टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये लो अब इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फोर तो लगेगी नहीं, तो जीरो तो है नहीं नीचे, ठीक तो अब दोनों लिमिट कैसी हैं, चेंज है, यस सर। अब टेन को कॉट, कॉट को टेन बना लें तो लगभग सेम हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा। तो अब ऐसे में पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, सेवन एक्स इक्वल रखेंगे ए प्लस बी माइनस, सही है ना बुआ, ए बोलो, ए की वैल्यू बोलो पाई बाई प्लस बी अपर लिमिट, क्या फायदा होगा पता चल जाएगा, एलसीएम एट पाई प्लस थ्री पाई फोर पाई और ये कैंसिल पाई बाई टू माइनस, यानी हम जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रख देंगे, गिवन गिवन क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, अब ये प्रॉपर्टी लगा दो, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स रख दो, पाई बाई एट थ्री पाई बाई एट टेन स्क्वायर पाई बाई एट पाई बाई टू माइनस एक्स एक्स रखना एक्स में, यहाँ भी टेन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस यहाँ भी एक्स में ये रखेंगे, मुझे लगता है आप कर लोगे, सॉल्व करो साथ साथ, कॉट स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है तुम कि हम, थ्री पाई बाई एट टेन नाइन्टी माइनस थीटा कॉट, ऐसे यहाँ भी कॉट हो जाएगा, स्क्वायर है लगा देंगे, कॉट नाइन्टी माइनस थीटा टेन, थीटा टेन एक्स स्क्वायर है लगा देंगे। अब देखो दोनों का अंश बदल गया, न्यूमरेटर बदल गया ना, टेन स्क्वायर से क्या हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं बदला, पहले भी टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर था, अभी भी टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, अगर हर मतलब ना चेंज हो तो समझो यहाँ तक वर्क हमारा बिल्कुल सही, इसके बाद तू बता सकता क्या करते हैं, जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसको आई लिख लेना बेटा, ए बोलो आई लो, आई प्लस आई टू आई इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई एट से थ्री पाई बाई एट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ेगा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो बनेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर, पाई बाई एट लोअर लिमिट थ्री पाई बाई एट अपर लिमिट, ये पूरा कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, वन का इंटीग्रेशन x लिमिट लोअर पाई बाई एट अपर थ्री पाई बाई, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ सेल्सियम एट मिला तो आया थ्री पाई माइनस पाई, और ये वाला टू नीचे जाके वन बाई टू बनेगा, उधर थ्री पाई में पाई कम हो गया टू पाई वाई, टू से टू नहीं रहा, आई की जो वैल्यू होती वही आंसर होता, क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है।
आप क्या